song. सुनसान पड़े बनारस के अस्सी घाट पर जब लाइट कैमरा एक्शन की आवाजें गूंजी तो लोगों के चेहरों पर मुस्कान आई, लेकिन ये मुस्कान कुछ ही देर में विरोध में तब्दील हो गई। विरोध हुआ फिल्म में धार्मिक गाने ओम जय जगदीश हरे पर, लड़कियों के कपड़े के पहनावे पर। नतीजा ये हुआ कि फिल्म की शूटिंग रुकनी पड़ गई। मामला है फिल्म अभिनेता श्रेयस तलपड़े के आने वाली फिल्म लव यू शंकर का, जिसकी शूटिंग इन दिनों बनारस में चल रही है, लेकिन आज की घटना के कारण ये फिल्म विवादों में घिर गई है। अखिल भारतीय संत समिति समेत स्थानीय लोग, बीएचयू के छात्र और समाजवादी युवा जनसभा के युवा नेता इसका खुलकर विरोध कर रहे हैं। देखिए, हम सभ्यता संस्कृति के नाम पर जो भी अगर नंगापन परोसा जाएगा, हम उसके विरोधी हैं। और हम आपकी फिल्म की शूटिंग का विरोध हमारा नहीं है, लेकिन अगर हमारे सभ्यता और संस्कृति का अगर आप खुला माखौल उड़ाइएगा तो इसका विरोध इसलिए है क्योंकि ये काशी है। गंगा तरंग रमणीक जटा कलापम, गौरी निरंतरम विभूषित वाम भागम, नारायण प्रियंग मनंग मदाम पहारम, वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। ये बाबा विश्वनाथ की नगरी है साहब, यहाँ पर वेश्याएँ भी नाचती हैं। बाबा विश्वनाथ के दरबार में वेश्याएँ भी नाचती हैं महाशमशान पर, अपने आराध्य को प्रसन्न करने के लिए। अश्लीलता नहीं करती वो, अपने आराध्य को प्रसन्न करने के लिए। लेकिन ये बॉलीवुड के लोग जिन्होंने ठेका ले रखा हुआ है कि धर्म और सांस्कृतिक नगरी का ही हम खुला माखौल उड़ाएंगे, इसके पहले भी कई फिल्में ऐसी बनी, वाटर फिल्म बनाई जा रही थी जिसका हम लोगों ने उस समय भी विरोध किया था। वो फिल्म आउटडोर शूटिंग हुई, इनडोर शूटिंग नहीं हो पाई। फिल्म लव यू शंकर में मुख्य अभिनेता के तौर पर श्रेयस तलपड़े हैं, जिसका निर्देशन राजीव रुइया संभाल रहे हैं। फिल्म में धार्मिक गाने पर अश्लील नृत्य की बात जैसे ही बनारस में फैली तो इसके विरोध का स्वर तेज हुआ और अखिल भारतीय संत समिति ने इसका खुलकर विरोध किया। मुझे तो लगता है कि फिल्म इंडस्ट्रीज के एक वर्ग ने सनातन हिंदू धर्म पर आक्रमण करने की सुपारी ले रखी है। जिस प्रकार आश्रम नाम के एक वेब सीरीज बनी और जिस तरीके की यह शूटिंग हो रही है, काशी धर्म और अध्यात्म की नगरी है। जिस प्रकार मक्का मुसलमानों के लिए, वेटिकन सिटी ईसाइयों के लिए है, उसी प्रकार काशी हिंदुओं के लिए है। तो माँ गंगा के पावन तट पर और काशी के पवित्र घाटों पर इस तरीके के अश्लील गानों के शूटिंग की परमिशन देते समय प्रशासन क्या विचार नहीं करता है? काशी में किसी फिल्म का विरोध पहली बार नहीं हुआ है, बल्कि सन 2000 में भी शबाना आजमी अभिनीत और दीपा मेहता निर्देशित फिल्म वाटर का जबरदस्त विरोध हुआ था, जिसके चलते फिल्म को ही टालना पड़ गया था। ऐसे में अब फिल्म रविशंकर का विरोध शुरू हुआ है। हालांकि फिल्म यूनिट ने उस सीन स्क्रिप्ट की डिमांड की बात कही है, लेकिन धर्म नगरी काशी के लोग उसे बनारस की संस्कृति पर चोट मान रहे हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि प्रशासन इस फिल्म की शूटिंग पर रोक लगाती है या फिर शूटिंग की इजाजत देती है। वाराणसी से दीपक मंधान की रिपोर्ट, ऑब्जर्वर डॉन ब्यूरो।